इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ को फिटनेस हब बनाने के लिए टाइम ऑफ स्पोर्ट्स की अध्यक्षता में हार्मनी रेस्टोरेंट गढ़ रोड स्थित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। वहां मौजूद लोगों ने मेरठ स्पोर्ट्स हब बनाए जाने को लेकर कंपनी मालिक की सराहना की। टाइम्स ऑफ स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक मानसी बाघा का कहना है कि उनकी कंपनी द्वारा मेरठ में स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्पोर्ट्स फिटनेस द्वारा शहर में ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें हेल्दी लाइफ देना, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरठ को फिटनेस हब बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी देश के 150 स्कूल एवं 22 शहरों में कार्य कर रही है। उनका यह भी कहना है कि मेरठ की ज़मीन से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं दूसरी ओर मेगावी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए मेरठ में कई अन्य बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, जो खेल सामग्री को लेकर देशी एवं विदेशी खिलाड़ियों में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मेरठ के मेगावी खिलाड़ियों ने जनपद व राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दूरदराज से आने वाले खिलाड़ियों का चेकअप कर एक कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें समय रहते हुए उनकी फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। मेरा नाम मानसी बांगा है एंड मैं और मेरे हस्बैंड यशराज सिंह, हमने टाइम ऑफ स्पोर्ट्स कंपनी फॉर्म करी थी 2016 में, एंड कंपनी का मोटिव था स्पोर्ट्स फिटनेस और टेक्नोलॉजी क्लब्स चलाना स्कूल में। हम ऑलरेडी मोर देन 150 स्कूल्स और 22 सिटीज़ में हैं, बट टेक्नोलॉजी क्लब्स बहुत हमारे वाइड स्प्रेड हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हमारे कई स्कूल्स में हैं। अब हमारा आइडिया है कि हम एक सिटी को स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हब बनाएं, जिसमें हम सब स्कूल्स में CBSE द्वारा घोषित योजना हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को एग्जीक्यूट करें। हमारे एक्सपर्ट्स जाकर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के कैंप्स करें और स्कूल्स को हेल्प करें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का डेटा कलेक्ट करने में। हमारा इसमें विजन ये है, बिकॉज मेरठ में 1857 की लड़ाई हुई थी, मेरठ एक ऑलरेडी स्पोर्ट्स कैपिटल है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे गुड स्पोर्ट्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब आइडिया ये है कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मेरठ का एक हिस्ट्री पर मार्क हो। सो वी रियली वांट दैट मेरठ बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू एग्जीक्यूट HPE एंड टू एग्जीक्यूट फिटनेस रिपोर्ट कार्ड्स फॉर ऑल इट्स स्कूल्स। इस कॉन्फ्रेंस में हमने बहुत प्रिंसिपल्स और फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को इन्वाइट करा है, जिसमें हम उन्हें डेमो देंगे कि हमारा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब्स में हम क्या करते हैं। उसके बाद हम हर स्कूल में जाके अप्रैल से वो सारे क्लब्स एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें 4 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक्टिविटीज़ और उनके रिपोर्ट कार्ड्स बनेंगे। एक्टिविटीज़ में फिटनेस रिपोर्ट कार्ड में कई पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें नापा जाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे का BMI और उन एक्टिविटीज़ के हिसाब से फिटनेस लेवल क्या है। वंस वो फिटनेस लेवल पता लगता है, उसके बाद बच्चे को रिकमेंडेशंस जाएंगी कि आप डाइट में क्या चेंज करें, आप एक्टिविटी में क्या चेंज करें। स्पोर्ट्स में जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज दी जाएंगी, जिसमें उन्हें पता चलेगा कि कैसे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा जाए। और उसके बाद उनको स्पोर्ट्स एंड फिटनेस रिलेटेड जो भी कोई क्वेरी हो, हमारे पास एक ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू वो हम पर रीच कर सकते हैं एंड हम उनके हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मेडिकल, फिटनेस, स्पोर्ट्स, सारी टाइप की कंसल्टेंसी इसमें हमारी इंक्लूडेड होंगी। इसको लेके हमारा सिर्फ एक ही मैसेज है, दैट हमारा जो फिटनेस रिपोर्ट कार्ड और स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी है वो 2 रुपये प्रतिदिन का मॉडल है, यानी कि 730 रुपये एक दिन, एक साल का। अगर 2 पिज़्ज़ा बच्चे कम खाएंगे और पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेंगे इस फिटनेस रिपोर्ट कार्ड को, एक ही साल में फ़र्क देखेंगे। और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक हैबिट है, हम 2 महीने में 4 महीने में बच्चों की फिटनेस नहीं चेंज कर सकते, पर जैसे उन्हें अवेयरनेस आएगी, जैसे उन्हें पता लगेगा उनके रिपोर्ट कार्ड बन रहे हैं, जागरूकता बढ़ेगी और फिर इस डायरेक्शन में पेरेंट्स भी काम करेंगे। आजकल पेरेंट्स परेशान हैं बच्चों के जंक फूड से और स्क्रीन टाइम से, अगर उन्हें पता चलेगा कि एक ऐसा काम है जिसको इंस्पायर करने से वो ये सब चीज़ें छुड़वा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो ये करना चाहेंगे, बिकॉज़ ये उनके बच्चे की हेल्थ के लिए है। एंड मुझे लगता है आजकल खेलने वाले बच्चों को पहले बोला जाता था कि खेलने वाले बच्चे तुम पढ़ लिया करो, आजकल पढ़ने वाले बच्चों को बोला जाता है कि तुम थोड़ा खेल लिया करो। सो दैट इज़ द चेंज दैट वी वॉन्ट टू ब्रिंग थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू।